पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत तीनों सेनाओं में बड़े बदलाव होंगे। एक ओर जहां 240 फाइटर जेटों को पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर T-72 टैंक्स की जगह नई तोप लाने का फैसला किया गया है। दुश्मनों से घिरा भारत किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा से रत्ती भर भी समझौता करने के मूड में नहीं है। इसी क्रम में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत देसी तकनीक से युद्धक विमानों को पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेटों जैसा क्षमतावान बनाया जाएगा। इसमें एक दो नहीं बल्कि पूरे 240 फाइटर जेट बनाए जाएंगे। इन विमानों की आपूर्ति भी अगले साल से ही शुरू हो जाएगी। भारत की इस वैज्ञानिक सफलता को देखकर दुश्मन चकरा गए हैं। वहीं पाकिस्तानी F-16 और चीन के J-30 जैसे लड़ाकू विमानों की सामत आ जाएगी। नए प्रस्ताव के अनुसार 26,000 करोड़ रुपए के खर्च से 240 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट इंजन खरीदे जाएंगे। इन इंजनों की आपूर्ति एक साल में शुरू हो जाएगी। अगले 8 सालों के भीतर ये सभी इंजन भारत को मिल जाएंगे। इन इंजनों में 54% कलपुर्जे स्वदेशी होंगे। ये कलपुर्जे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के कोरापुट कारखाने में बनेंगे। बता दें कि सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट फ्लीट मानी जाती है। इन इंजनों का इस्तेमाल कर HAL अपने लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करेगी। अपग्रेड के बाद ये लड़ाकू विमान कई मायनों में पांचवी पीढ़ी जैसे हो जाएंगे। ये वायुसेना के पास मौजूदा फ्रांसीसी राफेल विमानों से भी उन्नत हो जाएंगे। इस तरह नए प्लान से अगले 30 साल के लिए वायुसेना की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। इन विमानों में देसी तकनीक को एड ऑन किए जाने के बाद ये बेहद ताकतवर और खतरनाक बन जाएंगे। 63,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से 84 सुखोई विमान भी अपग्रेड किए जाएंगे। इनकी मारक क्षमता अचूक बनाने के लिए इनमें AI और डेटा साइंस का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है। चीन और पाकिस्तान दो मोर्चों पर चुनौती का सामना कर रही वायुसेना को 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। बता दें कि एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 विमान होते हैं। मौजूदा समय में वायुसेना के पास 259 सुखोई विमान हैं। इनको अपग्रेड करने के बाद वायुसेना की एक बड़ी जरूरत पूरी हो जाएगी। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फ्रांस से सीधे 36 राफेल विमानों की खरीद की थी। रक्षा अधिकारियों की माने तो भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के तहत 7 नए युद्धपोत सौंपे जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये ऐसे युद्धपोत होंगे जो नीलगिरी कैटेगरी के युद्धपोतों के बाद भारत में अब तक निर्मित सबसे एडवांस खुफिया युद्धपोत होंगे। इन्हें मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, गोवा शिपयार्ड, लार्सन एंड ट्रूबो जैसी कंपनियां बनाएंगी। भारतीय सेना की T-72 टैंक को बदलकर उनकी जगह फ्यूचर रेडी कॉम्बेट व्हीकल्स यानी FRCV तैनात किए जाएंगे। ये हथियार 60% स्वदेशी होंगे। इन्हें बनाने के लिए दो प्रमुख कंपनियां आगे आई हैं, भारत फोर्स और लार्सन एंड टुब्रो कंपनियां। इस काम को 3 फेज में करेंगी। हर फेज में 600 FRCV बनेंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 50,000 करोड़ है। T-72 टैंकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, सिचुएशन अवेयरनेस, माइंड और अनमाइंड टीमिंग की व्यवस्था होगी। पहले फेज में 590 टैंक शामिल किए जाएंगे। हर फेज में नई टेक्नोलॉजी जुड़ती चली जाएगी। इससे टैंक ज्यादा समय तक सुरक्षित रह सकेंगे, साथ ही ज्यादा घातक भी हो सकेंगे। बता दें कि FRCV ऐसे टैंक होंगे जिन पर हवाई हमलों का असर बेहद कम होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।